नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इज़ीबैक्ट सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, इज़ीबैक्ट सिरप को बच्चों को कैसे देना चाहिए और इज़ीबैक्ट सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि इज़ीबैक्ट सिरप को बच्चों को देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इज़ीबैक्ट एक ब्रांड नेम है। इज़ीबैक्ट सिरप के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन एज़िथ्रोमाइसिन होता है। इज़ीबैक्ट सिरप एक एंटीबायोटिक दवा है। इज़ीबैक्ट सिरप का उपयोग छोटे बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खांसी होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, टाइफाइड होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर, पेशाब में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर बच्चों को इज़ीबैक्ट सिरप को देने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई फोड़ा फुंसी होने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर बच्चों को इज़ीबैक्ट सिरप को देने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर बच्चों को इज़ीबैक्ट सिरप को देने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर इज़ीबैक्ट सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर बच्चों में इज़ीबैक्ट सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट बच्चों में इज़ीबैक्ट सिरप की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बदहजमी होना, भूख कम लगना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर खुजली होना, मुंह का स्वाद खराब होना, पेट में दर्द होना, सिरदर्द होना और दस्त होना आदि साइड इफेक्ट्स इज़ीबैक्ट सिरप की वजह से हो सकते हैं। कुछ बच्चों में इज़ीबैक्ट सिरप की वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है, इसलिए यदि किसी बच्चे को इज़ीबैक्ट सिरप को लेते समय त्वचा या आँखों का पीला पड़ना, भूख कम लगना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, पैरों में सूजन होना और पेट में दर्द होना आदि लक्षण होते हैं, तो ऐसी स्थिति में तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण लिवर डैमेज होने पर हो सकते हैं। इज़ीबैक्ट सिरप की वजह से ये साइड इफेक्ट्स सभी बच्चों में नहीं होते हैं, केवल 2% से भी कम बच्चों में इन साइड इफेक्ट्स को नोटिस किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इज़ीबैक्ट सिरप को बच्चों को कैसे देना रिकमेंडेड होता है। इज़ीबैक्ट सिरप को बच्चों को खाना खाने से पहले भी दिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी दिया जा सकता है। इज़ीबैक्ट सिरप को डॉक्टर आमतौर पर बच्चे के शरीर के वजन के हिसाब से 10 mg प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। इज़ीबैक्ट सिरप की 5 ml सिरप में 200 mg दवा होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है, तो 10 mg प्रति किलोग्राम के हिसाब से डॉक्टर 2.5 ml इज़ीबैक्ट सिरप को दिन में एक ही बार लेने की सलाह दे सकते हैं। इज़ीबैक्ट सिरप को डॉक्टर बच्चों को लगातार 3 दिन तक देने की सलाह दे सकते हैं। इज़ीबैक्ट सिरप की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ बच्चों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको इज़ीबैक्ट सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही बच्चे को देना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि इज़ीबैक्ट सिरप को बच्चों को देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इज़ीबैक्ट सिरप को केवल उतने समय के लिए ही बच्चे को देना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने इज़ीबैक्ट सिरप को देने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक इज़ीबैक्ट सिरप को बच्चे को देने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा शरीर में काम नहीं करेगी और इज़ीबैक्ट सिरप को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से इन्फेक्शन वापस आ सकता है, इसलिए इज़ीबैक्ट सिरप को केवल उतने समय तक ही बच्चे को देना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने इज़ीबैक्ट सिरप को देने की सलाह दी है। इज़ीबैक्ट सिरप वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुकाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी बच्चे
बच्चे को लिवर की कोई समस्या है तो इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर की बीमारी से पीड़ित बच्चों को एजिबैक्ट सिरप को देना रिकमेंडेड नहीं होता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एजिबैक्ट सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।